अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं किचन में अपने बनाने जा रही हूँ हरे मसाले की चिकन, ग्रीन चिकन करी। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट आप नोट कर लें। ये मैंने ली है चिकन, इसके अलावा इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप दही, 10 से 15 हरी मिर्चें, एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, इसके अलावा एक लेमन जाएगा, और ये 15 से 20 बादाम हैं। अगर आपके पास बादाम हो तो ठीक है, नहीं तो आप काजू भी यूज़ कर सकते हैं। और बादाम को आप गर्म पानी में डाल के इसके छिलके उतार लीजिएगा। उसके बाद हम इसको मैरिनेशन में पेस्ट बनाएंगे हम इसका। और इसके अलावा ये हमारे पास एक बड़ी गड्ढी हरा धनिया है, और उसके अलावा हमारे पास इसमें एक मुट्ठी समझें पुदीना है। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले होगी इसकी मैरिनेशन। मसाले मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो मैरिनेशन कैसे होगी, तो चले आए हम अब शुरू करते हैं अपनी मैरिनेशन। अब ये हरा धनिया और पुदीना इसमें डाल दें ब्लेंडर में। इसी के साथ प्याज भी इसमें डाल दें और ये बादाम ये भी इसमें डाल दें। और ये हरी मिर्चें ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब हमने इसमें डालना है 1 कप दही, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच, इसके अलावा हमने इसमें डालनी है 1/4 टीस्पून हल्दी, हमने इसको मिक्स करना है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक ऐड करना है। वन टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हमने अभी काली मिर्च डाली है, और फिर हम इसको एंड में भी काली मिर्च को डालेंगे। इसके बाद हमने ये सारा जो हरा मसाला पीसा था, ये हरा मसाला तैयार है, दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। ये सारा हमने इसमें मिक्स कर देना है। हमने इसको अच्छे से मिक्स करके इसका ये मैरिनेशन रेडी हो गई है। 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके
और अच्छे से इसको मैरिनेट करके रख देंगे हम 2 से 3 घंटे के लिए। अभी हमने मैरिनेट कर दिया है, अब हम इसको 2 से 3 घंटे के बाद फिर आगे मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको। अब ये मैरिनेट होते होते इसको 2 से 2.5 घंटे हो गए। अब मैं इसको ये जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी, अब मैं इसी ऑयल में इस सारे मसाले के साथ ये चिकन डाल दूंगी। और इसकी आँच आपने तेज़ रखनी है, क्योंकि अगर आप हल्की आँच रखेंगे तो ये दही का और इन सबका मज़ीद मसाला ये पानी छोड़ देगा, चिकन भी पानी छोड़ेगा, दही भी पानी छोड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है, फुल आंच रखनी है इसकी। इस तरह से अब इसमें बबल्स आना शुरू हो गई हैं। आँच हमने फुल रखनी है इसकी और इसको इसके लिड नहीं लगाना है हमने। लिड लगाएंगे तो भी ये पानी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर पानी को ड्राई करते करते चिकन इतनी ज़्यादा कुक हो जाती है कि चिकन फिर बहुत हार्ड हो जाती है। अब देखिए इसका ऑयल ऊपर आने लगा है, तो बस ये अब तैयारी पर ही है। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस और इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून मज़ीद काली मिर्च की डालेंगे और हम 1/4 टेबल स्पून डालेंगे गरम मसाला। रेडी है, बस अब हमने इसमें लास्ट में अब इसमें हम फाइनल डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के बटर का मक्खन। ऑयल भी ऊपर आ गया है।